हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो बिहार जीके की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और उसके बाद आने वाले कुछ वीडियोज में हम ज्योग्राफी और पॉलिटी इन दोनों से संबंधित क्वेश्चंस को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया, बिहार की हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांट के उसको डिस्कस किया। इसके बाद अब आगे आने वाले वीडियोस में हम अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका जो राज प्रसाद था वो कहाँ पे स्थित था। तो पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राज प्रसाद क्या था और मौर्य जो उस वक्त कला थी उसका किस प्रकार ये एक नमूना था। तो कुम्हार से 80 स्तंभों वाला मौर्य कालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है जिसे राज प्रसाद कहा है। इसके अलावा मौर्य कालीन राजकीय तक्षण कला का पहला और सर्व प्रमुख उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद ही मिलता है। तो जो ये मौर्य कालीन राजकीय जो तक्षण कला थी उसका एक नमूना आपको यहाँ देखने को मिलता है। और ये प्रसाद जो था, जो राजप्रसाद जिसे कहा जाता है, ये जो राजमहल जो था, ये सभागार जो था, ये मौर्य शासकों के समय में बना हुआ सुसा और एक बेतना से कहीं बढ़कर था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट जो था, ये स्टेटमेंट दिया गया था एरियन के द्वारा, और ये तत्कालीन पाटलिपुत्र के समीप कुम्हार गांव के समीप था जो आजकल पटना शहर के अंतर्गत आता है। और कुम्हार की खुदाई में प्रसाद के सभा भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे प्रसाद की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हमें अवशेष मिले हैं वहां से हम पता लगा सकते हैं कि क्या उसकी विशालता रही होगी। और इसके अंदर जो खंभे मिले हैं और उस जो होल की लंबाई और चौड़ाई है, और जो लकड़ी के जो आपको स्तंभ मिलेंगे वो कौन से धरातल पर टिके हुए हैं, वो उस पूरी आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं जो उस वक्त मौर्य कालीन तक्षण कला में यूज की जाती थी। तो ये पूरी की पूरी आर्किटेक्चर के बारे में हमने यहाँ पे बात करी जो हमें यहाँ पे मिलता है राजप्रसाद मौर्य कालीन। तो ये उसके बारे में बात करी। अब चलते हैं या इसके बारे में दिए गए कुछ स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया था और इसे देख कर ये कहा था कि जो भारत भ्रमण पर बौद्ध यात्री फाइयान आए थे उन्होंने ये कहा कि ये प्रसाद जो है ये मानव कृति नहीं, ये वरन देवों द्वारा निर्मित है। ये स्टेटमेंट दिया गया था फाइयान द्वारा। इसके अलावा एक स्टेटमेंट था कि किसी विद्वान ने ये कहा कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न ही एक बेतना कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था एरियन के द्वारा किसके बारे में, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद है इसके बारे में। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे अभी बात करी कि ये प्रसाद जो है ये मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है, ये स्टेटमेंट दिया गया है फाइयान द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में हमने यहाँ पे तो पहले सब कुछ डिस्कस किया कि ये क्या था। ये एक मौर्यकालीन सभागार था और मौर्यकालीन राज के तक्षण कला का एक नमूना हमें मिलता है। यहाँ पे हमें जो स्तंभ मिलते हैं, हमें इसके अलावा किस हाइट पे और हमें कहाँ उनका ग्राउंड मिलता है उसके बारे में पता चलता है, कितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई है, कितने विशाल वो सभागार हुए हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इस स्टेटमेंट से। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो वो थे अशोक। अशोक ने, अगर आपको पता हो, इन पहाड़ियों पे चार गुफाओं का निर्माण करवाया था किसके लिए, आजीविकों के लिए। तो अब बात करते हैं कि वो चार गुफाएं कौन सी थी। उनका नाम रखा गया सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण। ये चार गुफाएं अशोक के द्वारा निर्मित करवाई गई थी किसके लिए, आजीवक जो यहाँ पे आते थे और जिनको अपनी, आप ये कह सकते हैं, साधना जो करनी होती थी उसके लिए
इन सब चीज़ों के लिए, आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण जो था वो अशोक ने करवाया था। अब क्वेश्चन है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपी गुफा का निर्माण जो था वो दशरथ ने करवाया था। अब दशरथ कौन थे उसके बारे में बात करते हैं। तो दशरथ जो थे वो अशोक के पुत्र थे और इन्होंने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था और वो उनमें से एक गोपी गुफा भी थी। तो आजीविकों के लिए ही हमने अभी बात करी कि जो यहाँ पे अशोक थे उन्होंने भी गुफाओं का निर्माण करवाया। उसके अलावा फिर अशोक के पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनमें से एक गुफा का नाम था गोपी गुफा। अब क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी जो थी वो प्राप्त हुई वो कहाँ से? दीदारगंज पटना से, वैशाली से, बसाड से या सारनाथ से? तो ये प्राप्त हुई हमें दीदारगंज पटना से और ये जो हमें प्राप्त हुई है इसको स्त्री रत्न नाम भी दिया गया था, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जो अपने गुरु कह लीजिए, अपने मंत्री कह लीजिए, उनके महान राजनीतिज्ञ कह लीजिए कि विष्णुगुप्त या फिर हम चंद्रगुप्त जिन्हें कहते हैं, उनकी सहायता से वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और इसी वजह से हम जो हमारे यहाँ पे विष्णुगुप्त हैं या फिर जिन्हें हम चंद्रगुप्त कहते हैं, सॉरी चंद्रगुप्त का गलती से नाम आ गया, विष्णुगुप्त या हम चाणक्य जिन्हें कहते हैं, जो हमारे इतिहास के महान राजनीतिज्ञों में उनको गिना जाता है। तो मौर्य राजवंश जो है वो प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश क्षत्रिय वंश था और इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को और उनके मंत्री कौटिल्य को, या फिर आप चाणक्य कह लीजिए या आप विष्णुगुप्त कह लीजिए। तो ये साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ और इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में बनाई गई थी और इस साम्राज्य की स्थापना जो थी वो की गई, हमने बात करी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और जो चाणक्य थे उनके द्वारा, और इसका तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य के विकास इसके द्वारा किया गया और उसने कई छोटे छोटे क्षत्रिय राज्यों के आपसी मतभेदों का फ़ायदा उठाया जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। और इस जो वंश है, ये जो मौर्य राजवंश था, इसकी स्थापना जो थी जो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इस वंश की स्थापना नंद वंश को ख़त्म करके हुई थी, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृद्ध स्तर पर विस्तार हुआ और सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। तो कहानी शुरू हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, किसकी सहायता से? कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। इसके अलावा इसको महान बनाया गया सम्राट अशोक के द्वारा। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में या वीडियोस में हम सम्राट अशोक के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको भी आप दिमाग में रखिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। अब क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अब क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त करी थी? तो चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, इन्हीं की सहायता से उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता में अपनी स्थापना करी, मौर्य वंश की स्थापना करी। और चाणक्य को आप न सिर्फ भारतीय स्तर पर, इन्हें विश्व स्तर पर एक महान राजनीतिज्ञ माना जाता है। इनके बारे में ये तक कहा जाता है कि ये पदचाप सुनकर ये बता देते थे कि कोई इंसान उनके लिए किस काम के लिए आया जाता था, किस काम के लिए आया था। तो इस महान थिंकिंग और इस इतने महान राजनीतिज्ञ भारतीय सत्ता में हुए और भारतीय राजनीति में हुए, तो ये इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे जो मगध की सत्ता थी उसको हासिल कर पाए थे। अब क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो वो अभी हमने देखी कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना वहाँ पे करी गई थी।
अब क्वेश्चन है कि यूनानी दूत मेगस्थनीस जो था वो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो मेगस्थनीस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर यहाँ पर मेगस्थनीस जो था पाटलिपुत्र आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ डी। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था, वो क्यों कहते थे, किस किन लोगों से मुक्ति दिलाने के कारण उन्हें मुक्तिदाता कहा जाता था। तो क्या ईरानियों से मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता था, यूनानियों से, शकों से या यूचियों से। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने पहले तो जो नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद जो था उसने जो अपना क्रूर शासन चला रखा था उस शासन को ख़त्म किया और घनानंद से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों से जो था वो भी मुक्ति दिलाई, इसीलिए इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। अब चलते हैं जो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को उन्मूलित करके मगध पर अधिकार कर लिया। नंदों के अत्याचारपूर्ण शासन से देश को मुक्त कराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराया और यूनानियों से भारत को मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये इसके बारे में पूरा एनालिसिस हुआ। अब क्वेश्चन है कि वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हमें मिलता है वो स्रोत कौन सा है, दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है और इसमें हमें मिलता है कि उस वक्त जो राजनीति थी वो किस प्रकार चलती थी और उनकी पॉलिटिक क्या थी या उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी और उनकी पॉलिटिक पॉलिसीज़ क्या थी, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें चाणक्य की इस अर्थशास्त्र के बारे में पता चलता है या अर्थशास्त्र से पता चलता है। और इसके अलावा इंडिका जो थी वो मेगस्थनीस ने लिखी थी और मेगस्थनीस के द्वारा लिखी गई इस इंडिका में हमें ये पता चलता है कि वो जो उनका प्रशासन था कि जो ग्राउंड लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो किस प्रकार काम करता था वो हमें इंडिका बताती है। इसके अलावा इंडिका के अंदर पाटलिपुत्र और मगध का बहुत ही सुंदर विवरण दिया गया है जहाँ से हमें हर एक चीज़ का पता चलता है कि पाटलिपुत्र का उस वक्त आर्किटेक्चर कैसा था और मुख्यतः हमें ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र पर उस वक्त शासन किस प्रकार किया जा रहा था, किस प्रकार लोग वहाँ पर हैंडल किए जा रहे थे, टेकल किए जा रहे थे, इन सब चीज़ों का हमें इंडिका से पता चलता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है इंडिका से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के अंतिम शासक हुए घनानंद और मौर्य वंश के प्रथम शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश को ख़त्म किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अर्थात घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की वहाँ पे स्थापना करी चाणक्य की सहायता से। तो नंद वंश के पश्चात वहाँ पे आता है मौर्य वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि मेगस्थनीस की पुस्तक का नाम क्या है। तो अभी अभी हमने बात करी कि मेगस्थनीस जो है उसने किताब लिखी थी इंडिका, तो इंडिका उसकी किताब का नाम है जिसमें हमें पाटलिपुत्र के जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसके बारे में पता चलता है। तो ये इंडिका के बारे में और मेगस्थनीस किताब के बारे में हो पता चला। इसके अलावा अर्थशास्त्र के बारे में हमने अभी बात करी कि वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है तो वो हमने जाना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए चाणक्य या विष्णुगुप्त, उनके अन्य नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि जो पाटलिपुत्र था वहाँ पर किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, प्रशासन क्या है, प्रशासन क्या होता है, आप इस वक्त किसकी तैयारी कर रहे हैं,
आप में से अधिकांशतः लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपको प्रशासनिक सेवा देनी है, आपको अपने लोगों को सर्व करना है कि आप ग्राउंड लेवल पे आप ही काम करेंगे, न कि एक नेता। एक नेता जो होगा वो पॉलिसीज बनाएगा, लेकिन उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो वो प्रशासनिक सेवा जो है उसके बारे में कि किस प्रकार वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, उसका विवरण जो है वो विदेशी यात्री था मेगस्थनी, जिसने अपनी इंडिका में इस सब चीज़ को लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ सी। इसके अलावा क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ अशोक के शासनकाल में। अब पहले बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में कम्प्लीटली। तो ये जो थी इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसका आयोजन हुआ था 250 ईसा पूर्व, और इसका जो संरक्षण जो था या फिर किसके शासनकाल में हुई थी वो हुई थी अशोक के शासनकाल में, और इसकी जो अध्यक्षता जो थी वो की थी मोगली पुत्तिश ने, और इसके अंदर दो मुख्य काम हुए थे उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो इसके अंदर जो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, इसके अलावा संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया गया था, ये याद रखिएगा। और जो अब बौद्ध शिक्षाएं थी उनको तीन ग्रंथों में संकलित कर लिया गया था जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। ये मुख्य काम हुए थे इस संगीति के दौरान। तो हमने ये डिस्कस किया पाटलिपुत्र में हुई, 250 ईसा पूर्व में हुई, अशोक के संरक्षण में हुई, मोगलिपुत्तिश के अध्यक्षता में हुई, और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। त्रिपिटक के अंदर तीनों ग्रंथों को जो बौद्ध शिक्षाएं थी उनका संकलन कर दिया गया था। तो ये पूरी कहानी है तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, अर्थात अशोक के संरक्षण में हुई ये तृतीय बौद्ध संगीति। अब क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी। तो अभी हमने बात करी कि मोगलिपुत्तिश के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। फिर पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। अभी हमने जाना कि पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। और जो इसका आयोजन था वो कब हुआ वो भी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो तृतीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन 250 से 251 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, क्योंकि कई जगह आपको 249 ईसा पूर्व मिलता है, कई जगह 50 मिलता है, और कई जगह 251 भी मिलता है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एकदम अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। तो आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि उस युद्ध के बाद क्यों अशोक ने युद्ध नीति को त्यागने का डिसीजन लिया, और सब चीज़ें वहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा था, और कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। अब कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय क्यों थी और क्यों उसने वो युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध कब लड़ा था, ये लड़ा था उसने 262 से लेके 261 ईसा पूर्व के बीच में। अब इसके रीज़न पूछे गए हैं कि युद्ध के कारण क्या थे। तो पहला कारण था कि कलिंग पर वो विजय प्राप्त करके अपने पूरे साम्राज्य को जो दक्षिण भारत में पूरा एक्सपांड करना चाहता था, इसीलिए अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध किया। उसके बाद सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग पर विजय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि स्थल और समुद्र दोनों मार्गों में दक्षिणी भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। अगर आपको पता हो दक्षिणी भारत का मैप आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर आप कलिंग को नोटिस कर पाएंगे। तो कलिंग जो है वहाँ से आपको समुद्री मार्ग और इसके अलावा जो स्थल मार्ग जो हमें जो बाकी का जो इंडिया है जो लैंड का जो एरिया है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण है, और समुद्री मार्ग के लिए तो कलिंग महत्वपूर्ण था ही। तो इन दोनों ही मकसद को साथ में देखते हुए ये सामरिक दृष्टि से अशोक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि कलिंग भी उसके राज्य के अंदर
आ जाए। इसके अलावा यहाँ से दक्षिणी पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे, तो यहाँ से आप दक्षिणी पूर्वी जो यहाँ पर देश आते हैं उनसे आसानी से आप रिश्ते बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण अशोक ने कलिंग पर युद्ध करने का विचार किया, कलिंग पर आक्रमण करने का विचार किया और फाइनली अटैक करने के बाद उन्होंने इसको जीत लिया था। लेकिन इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद फाइनली अशोक ने ये डिसाइड किया कि अब मुझे युद्ध नीति को त्याग देना चाहिए। अब वो क्यों डिसाइड किया उसके बारे में भी हम आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में करी थी, तो अशोक का धम्म क्या था उसके बारे में भी जानेंगे। तो 10वें वर्ष के अंदर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उन्होंने ये जो बोधगया की यात्रा थी ये करी थी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब जो हमने अभी पहले बात करी थी कि किस युद्ध में एकदम भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपनी युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा करी थी। अब हम अशोक की युद्ध नीति और धम्म नीति इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वो कलिंग युद्ध जो था उसके अंदर जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो ये कहा जाता है कि कलिंग का बच्चा बच्चा जो था उसने युद्ध करने का एकदम फाइनल डिसीजन जो था कि अब बच्चा बच्चा लड़ेगा कलिंग की आज़ादी के लिए, और अशोक ने भी अपनी पूरी सेनाएं खोल दी थी कलिंग को जीतने के लिए। फाइनली अशोक ने कलिंग को जीता तो सही, पर किसको? सिर्फ वहां बचे हुए खंडरों को जीता, न कि वहां की जनता को, क्योंकि जनता में से बच्चा बच्चा वहां पे लड़ा और अपनी कुर्बानी दी कलिंग के आज़ादी के लिए। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक को ये फील हुआ कि मैंने सिर्फ इन खंडरों को जीतने के लिए इतनी जान गंवा दी है, उसके बाद उसने अपनी युद्ध नीति को त्यागा और अपनी धम्म नीति पे उसने मूव किया। तो यही एक रीज़न था कि कलिंग के अंदर जो जान की जो नुकसान हुआ था, जिस प्रकार लोगों ने अपनी जान खोई थी, उसी को देखते हुए वो अपने युद्ध नीति से धम्म नीति पे मूव किया था। बाकी आने वाले कुछ वीडियो या स्लाइड्स में हम उसकी धम्म नीति को भी डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक का धम्म क्या था, तो अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। अब अशोक के इस धम्म को हम एकदम अच्छे से एनालिसिस करते हुए डिस्कस करते हैं। तो संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है क्योंकि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया है। नैतिक उन्नति अर्थात हमारे अंदर नैतिकता बनी रहे, उस चीज़ के लिए हम ऐसे क्या काम करें या फिर हम ऐसे क्या प्रयास करें, उन सब चीज़ों पे उसने काम किया और जिन सिद्धांतों के पालन से ये नैतिक उत्थान संभव था कि हमारी नैतिकता में कुछ बदलाव आए, हम और ज़्यादा हमारे समाज के प्रति आप ये कह सके नैतिक बन सके, उस सब चीज़ों में कैसे उत्थान आए, ये काम कैसे पॉसिबल हो, उसके लिए उसने कई सिद्धांतों का पालन किया। तो अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा जाता है, जो नैतिकता के लिए उसने अपने सिद्धांत दिए थे उनको धम्म कहा जाता है। तो दूसरे और सातवें इन दो स्तंभ लेखों में अशोक ने अपने धम्म की व्याख्या कुछ इस प्रकार करी है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे काम करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दयादान तथा शुचिता। तो ये है धम्म, अर्थात आप एक साधु की तरह बिहेव करें, कल्याणकारी काम करें, पाप रहित रहें, अपने अंदर आप एकदम मृदुता रखें, अर्थात किसी से भी कड़वी बात ना करें, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में मधुरता रखें, दयादान करें और सुचेत रहें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक धम्म के अंतर्गत आती है जो अशोक ने अपने लेखों के अंदर जिनका उल्लेख किया था और अपने सिद्धांत के अंदर उल्लेख किया था। और इसके अलावा आगे उसने कहा है कि प्राणियों का वध नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, मित्र परिचित संबंधी ब्राह्मण श्रवण के प्रति दानशीलता दिखाना तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें सब मिला के अशोक के धम्म को बनाती है, जिसके
पालन करने से किसी एक मानव की नैतिकता में बदलाव आता है, वो और ज़्यादा नैतिक होता है अपने समाज को लेके, अपने कल्चर को लेके। इसीलिए अशोक ने अपने धम्म के अंदर इन सब चीज़ों का उल्लेख किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने वहाँ पे शासन किया। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा बिंदुसार और बिंबिसार में, तो बिंदुसार जो था उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य को संभाला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने शासन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को जब स्थापना करी, उसके बाद वो बिंदुसार राजा बनते हैं, उसके बाद अशोक वहाँ पे शासन करते हैं, फिर कुणाल, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालिसुग, फिर देववर्मन, सतधनवन और बृहद्रथ। इस प्रकार ये पूरा मौर्य वंश जो है शासन करता है। और इनमें से जो आप ये कह सकते हैं टॉप तीन जो राजा हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जी ने मौर्य वंश की इतिहास में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और अशोक जिन्हें पूरे भारत के इतिहास के अंदर आप ये कह सकते हैं एक महान राजा के रूप में जाना जाता है। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को ही एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। तो ये पूरे मौर्य वंश की वंशावली को हमने जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा मौर्य शासक था जिसके दरबार के अंदर एक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहा करते थे। तो वो थे बिंदुसार। तो बिंदुसार जो थे उसके दरबार के अंदर एक आजीवक भविष्यवक्ता थे, जो आजीवक थे और उनका नाम था पिंगलवत्स। तो ये इनके दरबार के अंदर रहते थे और एक भविष्यवक्ता थे। अब इनके बारे में हमने जो डिस्कस किया, उन्होंने पिंगलवत्स जो थे इन्होंने अशोक के बारे में भविष्यवाणी करी थी कि वो एक महान राजा बनेंगे। तो हमने क्या बात करी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार राजा बनता है और बिंदुसार के दरबार के अंदर पिंगलवत्स रहते हैं और पिंगलवत्स ये भविष्यवाणी करता है कि अशोक जो है वो एक महान राजा बनेगा जो बिंदुसार के बाद राजा बनता है। तो ये पूरी कहानी है इनके बारे में। ये पूरा एक डायग्राम आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बनता है, बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स एक आजीवक भविष्यवक्ता होता है जो भविष्यवाणी करता है कि अशोक एक महान राजा बनेगा जो बिंदुसार के बाद राजा बनता है और एक भारतीय इतिहास के अंदर एक महानतम राजाओं में से एक राजा बन के उभरता है। ये पूरी कहानी है इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है। तो अब एक काम करते हैं, पहले अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए हैं उन सब के बारे में एक एक लाइन डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में और उनके विषयों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप जो नंबरिंग देख रहे हैं इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, नंबरिंग मैंने शिलालेख के आगे लिखी है। तो शिलालेख एक, पहले शिलालेख में लिखा गया है कि पशु बलि की निंदा, अर्थात पहले शिलालेख से हमें पशु बलि की निंदा के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार अशोक ने पशु बलि की निंदा करी थी। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है कि पशु बलि के बारे में या पशु बलि से रिलेटेड कौन सा एक अशोक का शिलालेख था, तो वो था पहला शिलालेख। उसके बाद दूसरा शिलालेख जो था वहाँ पे हमें समाज कल्याण, मनुष्य और पशु चिकित्सा जैसे संबंधित विषय मिलते हैं जिनके ऊपर द्वितीय शिलालेख लिखा गया था। उसके बाद तीसरे शिलालेख की बात करते हैं और इस शिलालेख से हमें ये ज्ञात होता है कि अशोक के राज्य के अंदर प्रादेशिक राजुक युक्तों को हर पांचवें वर्ष में धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता था, और इसमें बचत, धार्मिक नियम और अल्पव्यय को धम्म का अंग बताया गया है। तो अशोक के धम्म के बारे में हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इसके अलावा इस शिलालेख जो तीसरे शिलालेख में धम्म का अंग किसे बताया गया है, बचत को, धार्मिक नियमों को और अल्पव्यय को, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा चौथा जो शिलालेख है उसके अंदर भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करी गई,
ये चौथा शिलालेख हुआ। फिर पांचवे शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति हर 13वें वर्ष से वो बताया गया है पांचवे शिलालेख में। इसके अलावा छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक द्वारा तीर्थ यात्राओं का वर्णन और नवे शिलालेख में सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया था और दसवें शिलालेख में ये बताया गया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में किस प्रकार सोचें। और ग्यारहवें शिलालेख में हमें ये पता चलता है कि धम्म की व्याख्या धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया। और फाइनली बारहवें शिलालेख में स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति, इसके अलावा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने की बात कही गई। ये सारी बातें जो थी वो इस बारहवें शिलालेख के अंदर, और तेरहवां शिलालेख जो है उसके अंदर कलिंग युद्ध जो अशोक का हृदय परिवर्तन कर देता है, अशोक को युद्ध नीति से धम्म नीति पे मूव करवा देता है, उसके बारे में बात करी गई है। और पड़ोसी राजाओं के साथ किस प्रकार संबंध रखे जाएंगे उन पे वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख में। और 14वें में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है 13वें शिलालेख में, जो हमने अभी बात करी है कि 13वें शिलालेख में पड़ोसी राजाओं का वर्णन अर्थात उनके साथ संबंधों की बात जो है वो 13वें शिलालेख में करी जाती है। ये पूरी बात हुई शिलालेख 13 के बारे में और अशोक के पड़ोसी राजाओं के साथ संबंध के बारे में। अब क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय जो था वो कहाँ स्थित था, तो अशोक का जो केंद्रीय न्यायालय था, सॉरी मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय था वो पाटलिपुत्र में, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनकी राजधानी वही थी, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। इसके अलावा अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले किस जगह की यात्रा करी थी, तो वो जगह थी बोधगया। बोधगया के बारे में हमने पहले भी बात करी है इसके इसी वीडियो के अंदर कि कब वो गया था। इसके अलावा क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस ज़िले से प्राप्त हुए हैं, ये हमने डिस्कस किया है कि हमें चंपारण से भी अशोक के स्तंभ लेख मिलते हैं। इसके अलावा अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख होता है, तो पारसी या प्राची प्रांत जो पूर्वी प्रदेश था उसकी राजधानी क्या थी, वो फिर से आपको पाटलिपुत्र मिलती है, तो इसका राइट आंसर डी हुआ। इसके अलावा अब ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ था, तो वो बना हुआ था लकड़ी का, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से आपको मौर्य काल में बने हुए जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा जो थी वो प्राप्त हुई थी, वैशाली सोनपुर से, पटना लोहानीपुर से, बसाड़ वैशाली से या भागलपुर से, तो आपको ये पटना से प्राप्त होती है, जो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिलती है लोहानीपुर से। इसके अलावा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है ये किसने किया है, तो आपको बारे में अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी है उसमें हमें पता चलता है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन किस प्रकार काम कर रहा है। इसके अलावा पाटलिपुत्र की जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका के अंतर्गत, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर से हुआ बी। इसके अलावा अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और डिस्कस करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को वो कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क, तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपने राजधानी बनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने यहाँ पे जब राज स्टार्ट किया तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो पाटलिपुत्र था इसको अपनी राजधानी बना लिया था। तो यहीं पे अब हम इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस डिस्कस करने थे उनको यहीं ख़त्म करते हैं। एंड ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बीपीएससी और आने वाली किसी भी बिहार एग्ज़ाम के लिए अहम हो सकती है, सो प्लीज़ डू फॉलो दिस सीरीज़।
और इसके आगे आने वाले वीडियोज में हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और बिहार के बारे में हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।